कमांडो बस क्या? जावेद चेक, दो दिन में बाहर आ जाऊंगा, दो दिन में। जिंदा अभी तक? No wonder human rights वाले want your head. बाहर मोर्चा लेके आए? हाँ हाँ, ये लोग जो सड़कों पर खुलेआम घूम सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि मुझ जैसे लोगों ने उनको यह आजादी दी है। वरना इस देश में कई जगह ऐसी हैं जो डर के मारे घर पे छुप के बैठना पड़ता है अपना मुंह बंद रखकर। मुझ जैसे लोगों की वजह से आज क्रिमिनल्स में पुलिस का डर तो है, कोई किसी का खून करने से पहले दो बार सोचता तो है। ये माए और बुआ क्या है? इनका जिंदा रहने से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्लीज टेल मी मिस्टर डिंगरा। Your Honor, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने क्लाइंट ACPSS खान के साथ कुछ भारी डिस्कशन में रहा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इस केस के बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। ना ही मैं कोई सबूत पेश करना चाहता हूं, ना ही कोई गवाह। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, one question। इस अदालत से, इस समाज से, इस देश से सिर्फ एक सवाल। यह सवाल कोई कानूनी नहीं है, यह सवाल है आपके और मेरे परिवार के बारे में। योर ऑनर, आपका भी एक घर है, आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं। इस वक्त आपकी बीवी बच्चे घर में अकेले, और आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है। आप क्या चाहेंगे कि वो आदमी कौन हो? और आप लोग क्या चाहेंगे अगर आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो कौन हो? माया, बुआ या ACP शमशेर खान? इस मामले में योर ऑनर, मैं नहीं चाहता कि आप कोई लंबा चौड़ा फैसला सुनाएं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब दे दें। That's all, Your Honor. Thank you. High Court ने शूटआउट लोखंडवाला केस में अपना फैसला सुना दिया है। ATS के सभी मेंबर्स को निर्दोष पाया गया है। आप इसे प्रोसिक्यूशन की कमजोरी समझिए या एक्स चीफ जस्टिस डिंगरा का जबरदस्त डिफेंस? क्या ये इंसाफ है? या लोखंडवाला में जो पुलिस ऑफिसर्स ने 6 लोगों को मार गिराया, वो इंसाफ था? Thank you.
बॉम्बे पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की आज जीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला होना बाकी है। जो खान और उनके साथियों ने किया वो सही था या गलत, और ये फैसला आपको करना है, इस देश के लोगों को करना है।